नमस्कार, स्वागत है आपका सतहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और हर शाम 4 बजे की बेबाक बहस में आपका स्वागत है। आपने देखा था अभी 3-4 दिन पहले किस तरीके से सुबह सुबह दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल के जो लोग हैं वो कई पत्रकारों के घर पहुंचे, उनके घरों पर रेड डाली, छापेमारी की। उनके साथ जो लैपटॉप्स थे उनके घर पर, उनके मोबाइल फोन्स थे वो उनके हाथ से लिए। कुछ पत्रकारों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन भी लिया गया। और उनका गुनाह क्या था? उन्होंने एक सच्ची पत्रकारिता की और उसी के एवज में उनके घर पर पुलिस पहुंची। ये कहते हुए कि जो न्यूज क्लिक की जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वो सारे पत्रकार ऐसे थे जो न्यूज क्लिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या तो कंट्रीब्यूटर्स के तौर पर काम करते थे या तो एक जर्नलिस्ट या पत्रकार के तौर पर उनके साथ जुड़े हुए थे। और न्यूज क्लिक के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस जो 2021 से चल रहा है, उसके बाद अब चाइनीज लिंक बताया जा रहा है, क्योंकि पिछले महीने एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि नेवल रॉय सिंघम नाम के जो एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं उन्होंने फंडिंग इस तरीके से की ताकि एक चाइनीज प्रोपेगेंडा को प्रोपगेट किया जाए, और न्यूज क्लिक वो ऑर्गेनाइजेशन था जो इस प्रोपेगेंडा को फैला रहा था, ऐसा कथित रूप से ये कहा जा रहा है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है किसी को कि जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे, जो उससे जुड़े हुए जर्नलिस्ट थे, उनके खिलाफ इस तरीके के चार्जेस लगाना, उनके खिलाफ इस तरीके की छापेमारी करना, ये कहां तक उचित है। और एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ आप यूएपीए का मामला दर्ज करते हैं, और न्यूज क्लिक के जो एडिटर इन चीफ है प्रबीर प्रकाश था उनको अरेस्ट भी किया गया है, साथ में जो उनके एचआर डिपार्टमेंट के हेड है अमित चक्रवर्ती उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो आखिर सरकार की मंशा क्या है, पत्रकारिता का भविष्य इस देश में अब क्या है, इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। लेकिन बातचीत शुरू करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो पत्रकारों के घर छापेमारी हुई थी उनमें कई पत्रकार हैं, जैसे उर्मिलेश जी, भाषा सिंह, अभिसार शर्मा, परंजय गुहा ठाकुर था। आज हमारे साथ परंजय खुद बात कर रहे हैं और हमारे साथ इस समय सत्य हिंदी पर जुड़ रहे हैं, और इस समय वो बॉम्बे में है, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है उन्होंने मुझे बताया, और इस समय वो बंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परंजय दा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन सत्य हिंदी। और जो मेरा पहला सवाल है दादा, वो आपसे यही है कि उस दिन क्या हुआ और आपको क्या इस बात का अंदेशा था कि अचानक से पुलिस आएगी? मैं आपसे सुनना चाहती हूँ एग्जैक्टली जो उस दिन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे वो क्या थे जब पुलिस आपके घर दरवाजे पर पहुंची सुबह सुबह। जी नीलू जी, धन्यवाद, और सत्य हिंदी के सारे दर्शक को मैं नमस्कार देना चाहता हूँ। और आपने ये सवाल उठाया तो ये मैं शुरू करता हूँ। 3 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे मैं और मेरा वाइफ, मेरा बेबी, हम लोग, मेरा बेटा कॉलेज में जा रहे थे उस समय, वो सोनीपत में पढ़ते हैं। तो हम जब उनको विदाई लेने के लिए हम बाहर आए थे, लगभग 6:30 थे, देखिए हमारा घर के सामने 9 पुलिसकर्मी, एक महिला, 2 हरियाणा पुलिस के, और बाकी लोग, हमें बताया 2 व्यक्ति ऐसे थे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर साहब, वर्दी नहीं थे, वो ऐसे प्लेन क्लोज में थे। उन्होंने बताया कि हम लोग आ सकते हैं, तो मैंने बोला वो जल्दी कुछ है? बोला नहीं नहीं आपके बेटा को आप विदाई कर दीजिए और उसके बाद हम बैठेंगे, थोड़ा समय लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है आइए बैठिए। मेरी बीबी उस समय, उनको बोला क्या लेंगे, चाय पियेंगे, ये सब हो। तो उसी समय हमें मालूम पड़ गया, और जो इंस्पेक्टर साहब, हमें साफ बात बताया कि ये न्यूज़ क्लिक के बारे में कुछ सवाल है आपसे, हम जवाब मांग रहे हैं। जो कहते हैं छापा, रेड्स, सर्च एंड सीजर रेड्स, हमें तो नहीं लगा। हमने बोला क्या आए हैं, कुछ पुलिस वालों आए हैं हमसे बातचीत करने के लिए, कुछ सवाल उठाया और कागजे थे। तो उन्होंने शुरू किया, न्यूज क्लिक के साथ क्या रिश्ता है, कब से रिश्ता है। तो मैंने सब बताया उनको कि हम, मई 2018 से मेरा रिश्ता है, मैं एक सलाहकार हूँ, आई एम अ कंसल्टेंट, मैं शेयर होल्डर नहीं हूँ, निर्देशक नहीं हूँ, कंपनी का मालिक नहीं हूँ, या कंपनी का जो एडिटोरियल बोर्ड है, जो संपादन, जो संपादक एक पैनल है या बोर्ड है, उसमें भी नहीं, मैं सिर्फ कंसल्टेंट हूँ। मैं, हमारा लेख न्यूज क्लिक छापते हैं, हमारे साथ लोग मिलके जब लोग हम लिखते हैं, और हम कोई साक्षात्कार करते हैं कभी कभी, मेरा साथ भी उन्होंने बातचीत किया खबर विश्लेषण करने के लिए। तो यही, और आज नहीं, लगातार
और ये भी मैंने बताया इन लोगों को कि देखिए आज नहीं, हमारा रिश्ता मई 2018 से है, हमें पहले मिल रहे थे उनसे हर महीना में 1.5 लाख, मगर 1.5 लाख नहीं, उसमें से टैक्स काट देते हैं, 10% काट देते हैं टैक्स। एक समय उसे ज्यादा भाई था, मगर लगभग 10% काट देते हैं। और ये इनवॉइस, मेरे को इनवॉइस देना पड़ता, उसके बाद ये सारे पैसा मेरा बैंक का खाता में चले जाते हैं। इसमें कोई एकदम पूरा एक पारदर्शिता है। और हमारे बैंक का खाता, आपने जैसे कहा, आयकर विभाग के पास है, ईडी के पास है, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आप खुद देख लीजिए। और फिर बोला मैंने, कोविड के समय एक आर्थिक संकट भी चल रहे थे सबकी, तो न्यूज क्लिक हमारे जो रेम्यूनरेशन था वो कम कर दिया, 1.5 से 1 लाख हो गया, वो उसमें भी टीडीएस है। और मैंने बोला पिछले लगभग 2 साल मैं बहुत महीना इनवॉइस भी नहीं दिया, क्योंकि हम मैं काम नहीं किया न्यूज क्लिक के लिए 1 महीना। तो मैंने बोला हम काम जब नहीं किया तो हम क्यों इनवॉइस करेंगे। तो ऐसा हमने सारे बताया, मेरा बैंक का खाता क्या है, मेरा पिताजी का नाम क्या है, सब कुछ, मैं कहाँ कहाँ में काम किया। मैंने बोला मैं 45 साल पत्रकारिता कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जगह में मैंने काम किया, ये वो सब कुछ बताने के बाद उन्होंने बोला कि आपका जो मोबाइल फोन है वो हम देखने चाहते हैं, हम सीज करने चाहते हैं, जब्त करने चाहते हैं। तो मैंने बोला आप लिखित रूप में हमें दीजिए। तो बोले देखिए ये है हमारे एक मेमो है, तो लिखित रूप में हम दे सकते हैं आपको, मगर आप आइए ना हमारे साथ आइए। दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल सेल है लोधी कॉलोनी में, आइए। तो ये सब लगभग 6:30 से 8:30 के आसपास चला, मगर वापस आने में कुछ समय लग गया, क्योंकि इसमें हरियाणा पुलिस भी थे। तो हम जहाँ रहते हैं ज़्यादा दूर नहीं, वहाँ से थाना है, पुलिस थाना है, वहाँ पे पहुँच गए थे। वहाँ पे पुलिस वालों से भी इन्होंने बात की, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। ये सब बातचीत होने के बाद मैं दिल्ली आ गया। और जब मैं लोधी कॉलोनी में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में आ रहा था, जब अंदर आ रहे थे, हम देखा लगभग 20-25 कैमरा पर्सन सब खड़े हैं। उसी समय हमें मालूम पड़ा कि ये बहुत कुछ गंभीर बात है। तो वो हम उन्हीं की गाड़ी में मैं था, तो हमारा तस्वीर खींचा, हमारा गाड़ी नहीं था क्योंकि हम बेटे को कॉलेज छोड़ने के लिए गए थे, आपको अभी मैं बता रहा था, सोनीपत में पढ़ते हैं वो। तो ये सब होने के बाद मेरा बीबी, सब लोग चिंतित थे, मेरा पड़ोसी, उन्होंने भी चिंतित थे, क्यों, क्या हो रहा है, क्या हो गया। तो स्पेशल सेल के दफ्तर में मैं लगभग 10 बजे पहुंचा। पहुंचने के बाद लगातार सवाल, कोई सब इंस्पेक्टर साहब, कोई एक नहीं 3-4 सब इंस्पेक्टर साहब, फिर उसके बाद एसीपी साहब, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, फिर एकदम सबसे टॉप जो सबसे ऊंचे में है जो पुलिस अधिकारी हैं, डीआईजी साहब, सब सबके साथ हमने बात किया। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमारे साथ अत्यंत अच्छा व्यवहार, बार बार क्या लेंगे, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, क्या खाना खाएंगे, कौन सा पूरी लेंगे, छोले के साथ लेंगे, सब्जी के साथ लेंगे, बार बार। तो मैंने बोला ठीक है मैं पानी पीऊंगा, तो यह है शौचालय, ये है, और आराम से बैठिए, ये वो, एक के बाद एक। मगर सवाल तो ज्यादा से ज्यादा सवाल एक ही था, मगर एक दो सवाल थोड़ा हमें आश्चर्य करता, मगर जो सवाल मैंने बाद में देखा कि सबको यही सवाल कि सिर्फ आपका न्यूज क्लिक के साथ क्या संपर्क, क्या रिश्ता है, आपने हिंदू मुसलमान दंगा जब हुई थी दिल्ली में उसका कवरेज आपने किया। तो मैंने बोले नहीं, ये कोविड का जो प्रबंधन सरकार के, इसके ऊपर आपने किया, नहीं, मैं तो इस विषय के ऊपर विशेषज्ञ नहीं हूँ। मगर उन्होंने पूछा ये किसान आंदोलन के ऊपर आपने रिपोर्ट किया, हाँ जरूर किया। फिर हमें अलग अलग सवाल उठाए, आप सिग्नल इस्तेमाल करते हैं मोबाइल ऐप, मतलब हाँ जरूर। आपने ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति से बात किया, बोला हाँ जरूर, एक वेबसाइट है अडानी वॉच करके वेबसाइट है।
वहां पे मैं लिखता हूँ, वो हमें पैसे देते हैं कभी कभी हमारा लेख छपने के लिए। तो एक व्यक्ति का नाम किया हांगकांग में, तो मैंने बोला कि आपने इस व्यक्ति से भी बात किया? बोला हाँ जरूर किया, क्योंकि उनके वो एक किताब लिखा है, लेखक है, उनके साथ मैंने साक्षात्कार भी किया। फिर सबसे आश्चर्य मैं पूछा, ये एस भटनागर कौन है अमेरिका में जिसके साथ आपका बात हुई? तो बोला संजय भटनागर जी मेरा साला है, मेरा बीबी का छोटा भाई है। हाँ मैं बात किया उनसे। तो हमें तब तक मालूम पड़ गया मैं अकेला वहां पे नहीं, हमें मालूम नहीं था, बाद में पता चला कि ये कम से कम 45 लोगों के ऊपर उनके घर सुबह 6:30 बजे पहुंच गए, बाद में पता चला। ये भी पता चला जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, लगभग 1.5 महीना पहले UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, आप जैसे कहा न्यूज क्लिक के ऊपर पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा लगा फरवरी 2021 में, पूरा दफ्तर बंद कर दिया था। प्रवीर पुरकास्ता का घर में पहुंच गए, 5 दिन घर से बाहर जाने के लिए नहीं दिया, अनुमति नहीं मिला। उसके बाद आयकर विभाग आया, EOW इकोनॉमिक ऑफेंसेस में आया, अदालत में चला गया, दिल्ली हाईकोर्ट के वहां के न्यायाधीश बोला कि आपके ऊपर कोर्सिव एक्शन नहीं। फिर भी उससे पहले ही ये UAPA लागू हो गया। सबसे आश्चर्य बात की आपने 1.5 महीना पहले FIR लॉन्च किया, तो आपको 1.5 महीना लगा, और वो FIR देने में भी अदालत उसको बोला कि तुम दे दो। प्रवीर पुरकास्त आप कह रहे आरोपी है, आप उनको FIR क्यों नहीं दिखा? नहीं लेकिन परंजदा आपने कहा कि UAPA का केस इन्होंने 1.5 महीने पहले लगाया था, तो आपको हाँ। इसका अंदेशा था, किसी को बताया गया इसके बारे में? हाँ, मालूम नहीं था। ओके। किसी को मालूम नहीं था? ओके, ओके। राइट। हमें तो मालूम नहीं था, इतना तो मैं कह सकता हूँ, और मैं समझता हूँ बाकी लोग को भी मालूम नहीं था। चलते हैं आगे बढ़ते जी। बाद में हमें बहुत कुछ पता चला, हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, मेरे सामने मेरा मोबाइल फोन से सारा जो डेटा है, सारी जो सूचना है निकाल दे सिम में। तो मैंने बोला हमें हैश वैल्यू देंगे, क्योंकि हैश वैल्यू को मालूम है कि अगर आप कुछ उसमें डाल देते हैं बाद में पता चल जाता है। बोला आप क्यों इतना चिंतित हैं, आपके सामने सब कुछ कर रहे हैं। और हमें बताया गया कि यू मस्ट कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन, जो जांच कर रहे हैं इनके साथ आप मदद कीजिए। तो मैंने किया, ये मेरा मोबाइल को अनलॉक करने के लिए ये है मेरा नंबर है, ये मेरा आईफोन में ये हमारा पासवर्ड है, पासवर्ड बदल दिया, ये सब किया इन्होंने। और मेरे सामने सारे जो डेटा था सिम में था, मोबाइल फोन में था, इसमें मेरा व्यक्तिगत चीज है, मेरे परिवार का तस्वीर है, व्हाट्सएप जैसे आपका नाम भी शायद उसमें है, दिल्ली पुलिस को भी मालूम है, मैं नीलू व्यास को भी पहचानता हूँ, लगभग ऐसे 5,000 लोग का नाम है, वो सब उनको मालूम है। और ये भी मालूम हो गया कब मैंने बात किया, किसके साथ बात किया, सब कुछ उन्होंने डाउनलोड कर लिया। मगर फिर भी मैं कह रहा हूं मेरा भाग्य शायद या कुछ भी कहे, हमारे साथ अत्यंत अच्छा व्यवहार। और मेरा उम्मीद है जो प्रवीर पुरकास्ता जो पुलिस कस्टडी में है 3 अक्टूबर से, उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे। प्रवीर पुरकास्ता का उम्र 75 है, उसके साथ जो अमित चक्रवर्ती है वो विकलंग है, मेरा उम्मीद है उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे, मेरा उम्मीद है। मुझे मालूम नहीं है क्या है सच है, उसके साथ किस तरह से व्यवहार किया, मगर उम्मीद मेरा है। मैं एक दो चीज और कहना चाहता हूँ, उसके बाद आप न्यूज क्लिक के बारे में जो भी आरोप लगाया है, FIR में जो भी लिखा है, मैं आपका सवाल जवाब देने के लिए तैयार हूँ। फिर भी मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमें बाद में मालूम पड़ा कि किस तरह का एक कार्यक्रम वहां पुलिस वालों को मध्य रात में बुलाया गया, उसका नींद वो बोला कि हमारा नींद नहीं हुआ। और बोला कि एक साथ 6:30 बजे राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग जगह में 45 लोगों के घर आप पहुंच जाइए। आप जानते हैं जो महिला थे उनके सिर्फ घर में गया, उनको दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल सेल में आना नहीं पड़ा, मगर सिर्फ दिल्ली में नहीं,
मुंबई में, हैदराबाद में, अलग अलग जगह। मैं समझता हूँ भारत के इतिहास में ऐसा कमी नहीं हुई। आपातकालीन का कहानी और कुछ है, मगर इस तरह से दिल्ली पुलिस कम से कम 200 लोग ऐसे 45 कम से कम 45 घरों में पहुंच गए, उससे ज्यादा भी हो सकता है, नंबर हमारे पास नहीं है। फिर भी जो बाकी लोगों के साथ व्यवहार किया, मैं तो क्या बताऊं उनको, उनका सिर्फ मोबाइल नहीं, उनको बहुत लोग का मोबाइल ले लिया, सिम वापस दे दिया। सिम का मतलब सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। बहुत लोग का लैपटॉप अभी भी उनके पास है, उनका हार्ड डिस्क उनके पास है, उनके पेन ड्राइव उनके पास है। एक तरह से आप लोगों का, जो पत्रकार लोगों का है, आप उनका रोटी रोजी छीन रहा है। और आगे बढ़िए, इसमें सिर्फ वरिष्ठ लोग नहीं थे, जैसे मैं अल्प उम्र के थे, कोई कुछ सीख रहा है, कोई ट्रेनिंग, कोई प्रोबेशनर सीख रहा है, कॉपी एडिटिंग, कोई डिजाइनिंग डिजाइन सीख रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। इनको भी आपने, एक अल्प उम्र का एक महिला हमें आके दुख के साथ बोला, आप उनसे बोलिए ना हमारा लैपटॉप दे देते हैं। उनको उनको डरा के उनको पासपोर्ट भी ले लिया। मेरे से भी पूछा, आप विदेश गए थे? बोला हाँ विदेश गए थे, मगर न्यूज क्लिक का पैसा नहीं दिया। मेरा पासपोर्ट जैसा था वही है, जहां हमारा घर पे रहते हैं वही पे है। मगर किस तरह से लोगों को घबरा दिया, मैं समझता हूं ये भारतवर्ष का इतिहास में कभी नहीं। इट इज अनप्रीसीडेंटेड नीलू जी। लेकिन परंजो, इट्स रियली वेरी अनफॉर्चुनेट जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का जो ये रवैया है, और एक बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस काम करने की कोशिश कर रही थी, और एक साथ अगर 45 घर में जा रही है तो इन्होंने पहले से प्लान किया है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार की इसको करने के पीछे मंशा क्या है? क्या इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को ये बताने की कोशिश है कि अगर अब आपने सरकार की आलोचना की तो फिर ये एक शुरुआत आपने देख ली है, और ये अब एक सिलसिलेवार तरीके से आपको इस तरीके से टारगेट किया जाएगा, क्या ये मंशा आपको नजर आती है सरकार की? बिल्कुल, आपने ठीक कहा, आपके साथ बिल्कुल मैं सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। लोगों को डराने के लिए, अंग्रेजी में कहावत है चिलिंग इफेक्ट, कि आपको एक, सबको एक शिक्षा मिलेगा, एक संदेश मिलेगा, देखो हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारा घर पे हम पहुंच जाएंगे, तुम्हारे पास हम सुबह सुबह पहुंच सकते हैं, तुम्हारा फोन हम जब्त करेंगे, तुम्हारा लैपटॉप हम ले लेंगे, ये सब हम करने के लिए तैयार है। तो देखिए, ये हमें, ये जो संदेश ये साफ है। और देखिए FIR में क्या क्या लिखा है, कह रहे कि न्यूज क्लिक भारतवर्ष का अखंडता, इसके ऊपर एक तरह से आक्रमण किया, भारतवर्ष का एकता और अखंडता इतना कमजोर है कि कुछ लोगों मिलके सो कॉल्ड आतंकवादी को मदद कर रहे हैं, और भारतवर्ष की जो जो सीमा है, ये FIR का भाषा है, टिंकरिंग विद द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। क्या आप समझते हैं? समझ लीजिए, 5-6 लोग, वो ठीक है आपके भाषा में वो देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही, आप कुछ भी कहिए उनको, क्या क्या समझते हैं ये 5-6 लोग पूरा भारतवर्ष का एकता, अखंडता, भारतवर्ष का सीमा बदलने के लिए संभव है? भारतवर्ष के पूरा जो जो नक्शा है, जो मानचित्र है, ये बदल सकते हैं? ये बहुत हमें आश्चर्य लग रहा है, बहुत अद्भुत लग रहा है कि इस तरह से आरोप एक FIR में है। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है कि ये पैसा जो है, ये इनका आरोप है कि ये चीन, एक चीनी दलाल, नेविल रॉय सिंघम, वो एक चीनी दलाल है। क्यों? कि वो चीन का सरकार के जो विचारधारा है, उनका जो प्रोपेगेंडा है, इसका वितरण करते हैं। ठीक है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का भी एक लेख में ये सब लिखा था, मगर सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं, अमरीकी सरकार, द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां के जो जस्टिस डिपार्टमेंट, नेविल रॉय सिंघम के वाइफ, उनके साथ जो काम करते हैं, उनके जितने संस्थाएं हैं, एक भी आरोप लगाए।
कि आप गैर कानूनी कुछ काम किया। ठीक है, हमें पसंद नहीं है कि आप चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपगैंडिस्ट बन गए, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स को पसंद नहीं है, पर गैर कानूनी कुछ किया। आप कह रहे हैं कि ये पैसा चीन से अमेरिका आके और न्यूज क्लिक में आके भारतवर्ष का अखंडता एकता को ऊपर एक असर पड़ रहे, तो हमें तो बहुत आश्चर्य लग रहा है। अब लिख रहे भारतवर्ष का, भारत सरकार का जिस तरह से महामारी के बाद उनका प्रबंधन हुआ, इसमें बहुत कमियां थी। न्यूज क्लिक सैकड़ों वीडियो, सैकड़ों लेख छपा इसके ऊपर, दिल्ली में जो हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ उसके ऊपर भी, FIR में लिखा हमारे किसान आंदोलन के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है? पुलिस का काम क्या, जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार कह रहे, जो हमारे माननीय मोदी जी का सरकार कह रहे, वही होगा FIR में? मैं समझता हूं ये सारे आरोप बेबुनियाद है, और जब अदालत में जाएंगे हमारे देश के जो न्यायाधीश है, हमारे देश के जो विचारपति है, जो जजेस है, उनका राय के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। मगर ये जो मैं आपको कह रहा हूं, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। और भी लंबा चौड़ा बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाया कि 2019 के लोकसभा चुनाव भी इन्होंने कुछ किसी तरह से डिसरप्ट करने का, कि किसी तरह से चुनाव, मोदी जी आप खुद कहते हैं ये मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारतवर्ष, तो यहाँ का लोकसभा चुनाव कुछ 5-6 लोग बोले, समझ लीजिए वो नक्सली है, चरम वामपंथी है, क्या हमारे पूरा चुनाव व्यवस्था को कमजोर करेंगे? तो इसीलिए जितने सारे आरोप है ये FIR में, कल ही अदालत का राय के बाद इनको देना ही पड़ा और सार्वजनिक हो गया ये राय, हमें तो बहुत, मैं तो आश्चर्य हो गया, और हमें लग रहा है ये सारे आरोप अत्यंत अद्भुत है। परंजित, आपने अभी एक बात कही, और जाहिर सी बात है कि वो आपका व्यक्तिगत सोच है, लेकिन जो बात आपने कही कि दिल्ली पुलिस जिस तरीके से FIR दर्ज कर रही है, आपको लगता है कि ये मोदी जी इस समय FIRs को डिक्टेट कर रहे हैं, एक तरीके से बता रहे हैं पुलिस को कि देखिए अब आपको ये चार्ज? मेरे पास कोई सबूत नहीं है। दिल्ली पुलिस भारत सरकार का गृह मंत्रालय के नीचे काम करते हैं, दिल्ली पुलिस ये सब जानते हैं, कौन कैसे किसको आदेश कर रहे हैं, किस तरह से आदेश कर रहे हैं, इस विषय के उम्र हमारा जानकारी नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये सारे जो है ये दिल्ली पुलिस का एक स्पेशल सेल है, यही काम कर रहे हैं, इतना ही हमें मालूम है, इससे ज्यादा और क्या मैं बताऊं? ये इसके ऊपर आप भी स्पेकुलेट करते हैं, मैं भी स्पेकुलेट कर सकता हूं, मगर हमारे पास तो कोई सूचना नहीं है, हमारे पास कोई तथ्य नहीं। लेकिन अब इस तरीके के इंसिडेंट्स की एक शुरुआत हो गई है, और हम ये कह नहीं सकते कि ये जो सिलसिला है यहाँ पर रुक जाएगा या थम जाएगा। ठीक है, पुलिस से अदालत से आप जो प्रबीरपुर का स्थायी हो सकता है उनको रिहाई भी मिल जाए, रिलीफ मिल जाए, लेकिन एक शुरुआत जो कर दी है मोदी सरकार ने, उसमें आप पत्रकारिता का भविष्य क्या देखते हैं? क्योंकि मैं जिससे बात करती हूँ सब ये कहते हैं कि भाई अब तो पत्रकारिता करना भारत में एक अपराध हो गया है। अरे बाप रे बाप नीलू जी, जब मैं 6 बजे 3 अक्टूबर दिल्ली पुलिस का स्पेशल से बाहर आया, स्पेशल सेल के बाहर आया, बाकी लोग के साथ जैसे व्यवहार किया मेरे साथ नहीं किया, मेरा फोन वापस दे दिया, उसमें सिम भी था, ठीक चल रहा है सब कुछ, थोड़ा चार्ज कम हो गया था, कोई बात नहीं, लगभग 20-25 कैमरा पर्सन, कैमरा के लोग, पत्रकार लोग हमसे बहुत सारे सवाल उठाए। तो देखिए अलग अलग पत्रकार है, अलग अलग पत्रकारिता है। एक महिला हमें एक सवाल उठाया रिपब्लिक टीवी से, तो मैं उनको बोला उनका नाम सिमरन है, सिमरन जी को मैंने बोला कि देखिए आप, वो हमें सवाल उठा रहे थे कि आप न्यूज क्लिक के बारे में क्या सवाल उठाया, तो मैंने बोला देखिए एक समय अर्णब गोस्वामी भी पत्रकार थे,
मतलब आज हमें लग रहा है, he has become, अंग्रेजी में मैंने बोला, monstrous caricature of a journalist. एक तरह से एक पत्रकार का एक राक्षस का रूप. तो बोला आपको, आप तो मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे. तो बोला कोई बात नहीं. फिर दोबारा मैं वही कहा, Arnab Goswami used to be a journalist, today he's a monstrous caricature of what journalism is supposed to be all about. ये सब कहने के बाद मैंने अंग्रेजी में बोला, हिंदी में बोला. मैं फिर बाहर जा रहा हूँ, ANI और PTI, मैं वो गाड़ी में बैठा था, दो कैमरा का माइक हमारे सामने घुसा दिया, हमारे मुंह के सामने. तो मैंने पकड़ लिया माइक, तो ANI को बोला आप सवाल का जवाब मैं दे. मैंने बोला मोदी जी महान है, भारतवर्ष मोदी जी भगवान का अवतार है, ये भी बोल दिया मैंने. तो मैंने बोला और भी पूछने चाहते कोई सवाल. फिर मैं वहां से निकल गया. मैंने कभी सोचा नहीं कि ये दो क्लिप, जो वीडियो क्लिप एकदम वायरल हो जाएगा. पता नहीं कितने लोग हमारे उसके बाद हमें टेलीफोन में बात कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, और एकदम वायरल हो गया. तो देखिए, हमारे साथ मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत अच्छा व्यवहार किया. क्या क्या हुआ, 12 घंटा हमारे साथ मेरा फोन नहीं था. 12 घंटा में और किसी के एक 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 स्पेशल सेल का दफ्तर में मेरे को एक जगह जाना पड़ा, दूसरी जगह जाना पड़ा, तीसरा जगह जाना पड़ा, एक इंस्पेक्टर, दूसरी इंस्पेक्टर, तीसरे इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, PIG साहब, सबसे मिलना पड़ा. ठीक है, मगर हमारे देश का पत्रकारिता के बारे में आप जानते हैं इससे अच्छा, एक बहुत बड़ा हिस्सा है. अपने आप को पत्रकार बोलते हैं मगर काम है विज्ञापन एजेंसी का काम करते हैं, PRO का काम करते हैं, जनसंपर्क अधिकारी का काम करते हैं, सिर्फ सरकार का गुणगान करते हैं, और साथ साथ जो भी विरोधी दल है उसके ऊपर आलोचना टिप्पणी करते हैं. ये हमारे देश की बहुत बड़ा एक लोक माध्यम का एक बहुत बड़ा हिस्सा यही कर रहे हैं. और इसका कारण हम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सत्य हिंदी की तरह ज्यादा से ज्यादा चैनल नहीं है. हमारे माननीय प्रधानमंत्री, भारतवर्ष का एक प्रधानमंत्री है, एक और सिर्फ एक प्रधानमंत्री है जो पिछले 9 साल से ज्यादा हो गया हमारे देश के प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी जी. आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, आज भी एक बार भी नहीं किया, जहां पे पत्रकार उनसे कुछ भी सवाल हो चुन के लोगों को साक्षात्कार उन्होंने किया. रजत शर्मा जी, अंजना ओम कश्यप जी, सुधीर चौधरी जी, नाविका कुमार जी, अर्नब गोस्वामी जी, आपको तो इंटरव्यू नहीं मिला ना. और आपने क्या, आपको अगर प्रधानमंत्री कभी कहे कि आप इंटरव्यू करने चाहते हैं उनको, आपको देंगे कि नहीं, एक अलग सवाल है. तो ये एक माहौल, एक कल्चर बन गया. आप अगर प्रधानमंत्री सवाल उठाएंगे तो अक्षय कुमार जी जिस तरह से सवाल उठाए, ऐसा सवाल उठाए कि मोदी जी मेरा ड्राइवर आपने पूछा कि आम आप कैसे आम खाते हैं, चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं. वो पत्रकार ने फिर भी आज, सॉरी, आपको आप कुछ हमें पूछने चाह रहे हैं. हाँ, नहीं नहीं, परंतु आपने एक फ्रेज यूज किया कि जब रिपब्लिक टीवी की जो पत्रकार थी आपसे सवाल कर रही थी, तो आपने कहा कि एंड टेकिंग Arnab's नेम दैट ही इज अ मॉन्स्ट्रस कैरिकेचर ऑफ जर्नलिज्म नाउ. लेकिन मैं गोदी मीडिया इन जनरल, नॉट सिंगलिंग आउट ओनली रिपब्लिक टीवी, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो इसी सरकार के प्रोपेगेंडा को चला रहे हैं और सरकार की ही वाहवाही में लगे रहते हैं. लेकिन जो मॉन्स्ट्रस कैरिकेचर जो शब्द है, क्या आपको लगता है कि गोदी मीडिया वाकई में एक अब राक्षसी रूप उसने अख्तियार कर लिया है जिसको कि अब काबू करना बड़ा मुश्किल उसी आपके आपके साथ में 100% सहमत हूं. नहीं तो अब इसको काबू कैसे किया जाएगा? अगर गोदी मीडिया ने एक राक्षसी रूप अख्तियार कर लिया है, इसको काबू कैसे किया जाएगा अगर वो बेकाबू हो चुका है? आप ये सारे टेलीविजन चैनल मत देखिए. ये एक रास्ता है कि ये जो जितने टेलीविजन चैनल हैं मत देखिए. इसमें उसका TRP टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स कम होगा कि नहीं, ये अलग बात है. क्यों आजकल ये पूरा TRP सिस्टम इस एक अलग एक चर्चा का विषय है.
आप पाठक हैं, आप इनको मत पढ़िए, पैसे देके आप मत पढ़िए इनके अखबार, आप श्रोता हैं, आप मत सुनिए इनके बात, आप दर्शक हैं मत देखिए। और साथ साथ जो आम नागरिक है इनको समझाइए, इन लोग क्या क्या वितरण कर रहे हैं, इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, कितना अर्ध सत्य है, क्यों कर रहे हैं, किसी और के नाम में क्यों गाली दे रहे हैं। आप तो वो क्या G14 ग्रुप में नहीं है ना एंकर में, वो G14 ग्रुप में नीलू व्यास नहीं है, कोई बात नहीं, इसका नाम से सब लोग बात पता चला। इस विषय के ऊपर सत्य हिंदी में लंबा चौड़ा चर्चा हुई है, होना चाहिए था कि होना नहीं चाहिए, बैन है या बॉयकॉट है, फलाना है ढिमकाना है। मगर आज देखिए हमारे देश के जो लोक माध्यम है, हमारे देश के जो पत्रकार है, हमारे देश में जो जर्नलिस्ट है, उसका काम क्या है? सरकार का गुणगान करना, जो विरोधी दल है उनको उनके ऊपर आलोचना करना, टिप्पणी करना। ये जो सच है, जो सत्य है, सबके सामने आ गई, सवाल उठाइए, सख्त सवाल उठाइए जो भी सत्य में है। लोकतंत्र का माने क्या है, लोकतंत्र का मतलब क्या है? ये अभिव्यक्ति में जो स्वतंत्रता है जी, जो मौलिक अधिकार है हर नागरिक का, इसका माने क्या है, इसका मतलब क्या है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। जब ज्यादा लोग समझेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा। ये जिस दिन प्रेस क्लब में जो मीटिंग हुई थी, जिसमें बहुत अच्छा खासा एक जो क्राउड दिखा, जिसकी उम्मीद नहीं थी कि प्रेस क्लब में भी इतने सारे पत्रकार, मैंने कभी नहीं सोचा, लगभग 300 के आसपास लोग थे। अरे होने की जगह नहीं था वो पूरा वहां पे प्रेस क्लब में नहीं। और वो क्राउड क्या इस बात का संकेत है कि वाकई में मोदी सरकार के पैरों के नीचे से अब जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है? Is it a sign of desperation? Is all what I'm wanting to ask? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया, बहुत अच्छा सवाल है। सचमुच मेरे पास जवाब नहीं है। सचमुच जो सत्य में है आज, वो क्या कुछ उनका अहंकार उसको एक स्तर में लेके चला गया, जो बेवकूफी कर रहे, ये एक किसी का राय है ऐसे, और ऐसे भी लोग हैं आपके मित्र है जो बोला नहीं नहीं ये तो शुरू हुआ, अभी भी 8 महीना है चुनाव, आम चुनाव का 8 महीना है, देखिए और क्या होगा, और भी लोगों को इस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई हो सकता है। तो देखिए भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल काम है तो कहना मुश्किल है। मेरे उम्मीद में है कि हमारे देश के जो आम नागरिक है वो सब समझते हैं, वो समझदार है, वो जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, इसमें कितना झूठ है, कितने सच है, किसमें घृणा भरा सूचना है या नहीं है, मैं समझता हूँ लोग एक दिन तो समझेगा। आम युवाओं, आम महिला, आम नागरिक, आम मतदाता को भी मालूम हो जाएगा एक दिन। इसका क्या असर पड़ेगा भारतवर्ष का राजनीति के ऊपर, भारतवर्ष का समाज के ऊपर, ये सारे सवाल के जवाब मेरा पास नहीं है। एक क्लिप है मोदी जी के इंटरव्यू की जो उन्होंने शाजी जमाम को दिया था कुछ साल पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पत्रकार सवाल ना करे तो फिर वो तो गलत बात है, तो सरकार से तो उसको सवाल करना ही चाहिए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो मुझे बताइए। इस तरीके की वो एक क्लिप है शाजी जमाम को जो इंटरव्यू दिया था मोदी जी ने, वो काफी समय हर सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो मोदी जी कहते तो हैं कि मीडिया को सवाल करना चाहिए, लेकिन कहने और करने में मोदी सरकार के बहुत ज्यादा फर्क है। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। 2014 का चुनाव का पहले, 2000 चुनाव के बाद बहुत कुछ मोदी जी ने बहुत कुछ कहा था। उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उन्होंने कहा था कि हमारे देश के जो काले धन है वो वापस ले आएंगे, हमारे देश का जो गरीब लोग है उनके बांट देंगे, लाखों रुपए बांट देंगे, बहुत कुछ उन्होंने कहा। असलियत क्या है, वास्तव क्या है, आप भी जानते हैं, हमारे देश का आम जनता, जनता जनार्दन भी जानते हैं, इसमें कितना सच है, कितना अर्ध सत्य है,
लेकिन परंतु इमरजेंसी के दौर में भी कुछ ऐसी ही चीजें देखी गई थी 70s में, जब प्रेस पर ताले लग गए थे, और आपको उस दौर में और इस दौर में क्या फर्क नजर आता है? फर्क आया, पहला बात है ये 75 से 77 के बाद आप कर रहे हैं, कितना दशक चला गया आप बताइए। ठीक है, लगभग 19 महीना बहुत सारे पत्रकार को जेल के अंदर जाना पड़ा, 18-19 महीना के बाद उसको जेल से बाहर जाना पड़ा। इसमें प्रवीर प्रकाश्ता भी थे, बोलिए मत, प्रवीर प्रकाश्ता भी थे उस समय जी। मैं उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूं, मैं छात्र था, तो उस समय भी माहौल ऐसा था, जो भी सत्य थे इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी का बेटा संजय गांधी, मैं समझता हूं वो तो सचमुच जिस तरह से उस समय का आपातकालीन समय में जिस तरह से व्यवहार किया पत्रकारों के साथ, कभी ऐसा हमने पहले नहीं देखा। बाद में उन्होंने माफी मांगा, उस समय का सूचना और प्रसारण मंत्री जो थे विद्याचरण शुक्ला जी, एक सार्वजनिक मंचों से उन्होंने माफी मांगा। आज पिछले 9 साल से भी ज्यादा समय बीत गया कि मोदी जी भारतवर्ष का प्रधानमंत्री, किसी ने माफी नहीं मांगी। अगर बात कुछ होता है, और आपने जैसे कहा थोड़ी देर पहले, जिस तरह से there is a difference between the word and the actual deed, और भी फर्क है 19 महीना और 9 साल में तो फर्क है ही। और देखिए, मैं समझता हूं आज का जो पत्रकारिता है उसका भी पूरा माहौल, पूरा चेहरा बहुत बदल गया। उस समय सोशल मीडिया नहीं थे, उस समय टीवी भी नहीं थे, टीवी थे मगर वो सिर्फ दूरदर्शन थे, एक एक ही ब्रॉडकास्ट थे, आकाशवाणी थे, निजी संस्था। आज भारतवर्ष में सैकड़ों टेलीविजन चैनल है, रेडियो चैनल है, हाँ बहुत पत्रिका थे उस समय, आज भी है, माहौल बदल गया। अब देखिए, एक तरह से एक सारे लोग को एक साथ जेल के अंदर डाल दिया। इस बार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कार्यक्रम के बाद, जिस तरह से आप देखिए सेडिशन का जो कानून है, देशद्रोह राष्ट्रद्रोह का जो कानून है, जो 100 साल से भी पुराने कानून है, कितना बार इस्तेमाल किया गया, कितना पत्रकार के खिलाफ FIR लॉन्च किया, अब तो UAPA भी चला, इससे पहले गौतम नवलखा के भी साथ भी UAPA में, वो भीमा कोरेगांव केस में उनके खिलाफ देशद्रोह का आरोप है। बहुत बदल गया कि आज सोशल मीडिया का युग है, आज मोबाइल फोन का युग है, 50-60 करोड़ लोग आज व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं भारतवर्ष में, भारतवर्ष में ज्यादा से ज्यादा जगह में, और सिर्फ शहर में नहीं, छोटी जगह में भी, गाँव में, वहां पे भी व्यक्ति से ज्यादा सिम कार्ड है। तो इस पूरा लोक माध्यम का जो चेहरा है, इसमें बहुत बदला। तो ये जो प्रोपागेंडा है, तो गलत खबर है, इसको वितरण करना ये भी आसान हो गया, ये भी फर्क। आपने इमरजेंसी की जब हम तुलना कर रहे थे 70s में, तो आपने कहा कि वो एक दौर था जिसमें कि 19 महीने पत्रकार जेल में थे, उसके बाद विद्याचरण शुक्ल जो उस समय के INB मिनिस्टर थे, उन्होंने खुली सभाओं में माफी मांगी। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से एक सिलसिलेवार तरीके से जर्नलिस्ट को टारगेट किया जा रहा है मोदी सरकार में, और अभी जो हाल में जो ये पूरा घटनाक्रम दिखा है न्यूज क्लिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आपको लगता है कि ये सिलसिला यहाँ खत्म हो सकता है, या फिर ये एक शुरुआत है एक बहुत ही खतरनाक पड़ाव की, जो कि अब शायद देखने को मिलेगा, और ये सिलसिला आपको लगता है यहाँ पे थमेगा, या मोदी सरकार और इस चीज को रिपीट करेगी बाकी? नीलू जी, ये सवाल का जवाब मेरा पास नहीं है, कहना मुश्किल क्या होगा नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। ये एक शुरू हुआ या यहीं पे खत्म हो जाएगा, पता नहीं मुझे, सचमुच मैं बोल रहा हूँ, आई डोंट नो, बट एक गट फीलिंग
सबको बताती है और जर्नलिस्ट को भी लगता है और सब जर्नलिस्ट अब आप आज आजकल आम भाषा में बात करते हैं कि अरे पता नहीं वो तो सुबह उठेंगे और एक कॉल बेल बजेगी और पता नहीं कब कौन सा जर्नलिस्ट इमरजेंसी के समय बोलते हैं मध्य रात में दरवाजा दरवाजा किसी ने टकराया, मिडनाइट नॉक उस समय कहते थे। तो ये अर्ली मॉर्निंग अलार्म आपका 6:30 बजे आपके नींद से आपको उठा देंगे हम जी। अंत में दादा यही पूछूंगी आपसे कि आपको क्या लगता है कि पत्रकारिता का भविष्य क्या है आज के जमाने में जो यंग बडिंग लोग हैं जो I'm optimistic, मैं आशावादी, जो भी हुआ है होना नहीं चाहिए था, मगर मैं समझता हूं हमारे देश के जो आम नागरिक है और हमारे जो युवाओं है जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो उसको एक देखिए आप पत्रकार बने आपके सामने जो रास्ता है बहुत कठिन रास्ता है, मगर आप विज्ञापन एजेंसी में काम करना चाहते हैं करिए ना जरूर, आप पब्लिक रिलेशंस कंपनी में काम करते हैं जरूर काम कीजिए आप, मगर जब आप पत्रकारिता ये करियर आपने लिया ये प्रोफेशन आपने चुन के लिया तो आपके सामने क्या क्या चुनौती है ये आपके सोच समझ के आप आगे बढ़िए, और एक बार आप समझ गया क्या है तो ये भी समझ लीजिए कि ये काम आसान नहीं है। आज भारतवर्ष में जितने कितने लोग पत्रकार आज है नहीं हमारे साथ गुजर गए हैं, कितने पत्रकार के खिलाफ राष्ट्रद्रोह देशद्रोह का आरोप लगा, कितने पत्रकार के घर में पहुंच गए हैं, कितने पत्रकार के खिलाफ मानहानि का केस लगाया, मैं मुझे मालूम है मैं अकेला भारतवर्ष का नागरिक हूं, मेरे खिलाफ श्री गौतम अडानी जी का वकील साहब ने 6 मानहानि का केस लगाया और वो आज भी चल रहे, 5 गुजरात में 1 राजस्थान में। आपको तो लगता है कि आपको इसलिए भी टारगेट किया गया परंजय जी बिकॉज आपने अडानी को पूरी तरह से देश के सामने एक्सपोज किया? मुझे मालूम नहीं है, मैंने मेरा जो लेख है सबको मालूम है, इसमें नया आई हैव नो इसमें अगर कुछ संपर्क है कि नहीं हमें तो मालूम नहीं, I don't know anything on this subject. आपने जो सवाल उठाया चलते चलते एक आखिरी सवाल बस आपसे करूंगी, आपने गोदी मीडिया का मेंशन किया और गोदी मीडिया की बात इसलिए बार-बार होती है, नाम भी कर दिया सबकी मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मीडिया इतना पोलराइज्ड है कि अगर जो सवाल करने वाला मीडिया है उसको अलग अलग नाम दिया गया है, जो सवाल नहीं करता है। आप क्यों मीडिया की बात सिर्फ कर रहे हैं, पूरा भारतवर्ष का समाज में जिस तरह से ध्रुवीकरण जिस तरह से पोलराइजेशन हुआ है सर और इंटायर सोसाइटी आज, तो आप बात कर रहे थे कि पूरा समाज अगर ध्रुवीकरण उसका हो गया है तो जाहिर सी बात है, लेकिन हम यहाँ क्योंकि बात पत्रकारिता की कर रहे हैं तो मैं चाह रही थी कि एक गोदी मीडिया के लिए आपका मैसेज क्या होगा इस समय, आप उसके बारे में कुछ कहें गोदी मीडिया के बारे में। मैं मेरा मित्र जो है मेरा गोदी मीडिया में जितने सारे मेरा दोस्त है रजत शर्मा जी जैसे अर्णब गोस्वामी जी जैसे, आप जो भी कर रहे हैं आपका अधिकार है, आप जो करने चाहते हैं एक दिन ना एक दिन आपको मालूम पड़ेगा आपने जो कार्यक्रम किया आपने जिस तरह से सूचना जिस तरह से विश्लेषण जिस तरह से आपने खबर का विश्लेषण किया आपको एक दिन ना एक दिन अपना विवेक है अपना जो ब्रेन है अपने जो कॉन्शियंस है आपको जवाब देना पड़ेगा और किसी को मत दीजिए, यू हैव टू आंसर योरसेल्फ, खुद अपने आप को एक दिन ना एक दिन आपको जवाब देना ही पड़ेगा, वो कल होगा परसों होगा या 10 साल बाद होगा या 20 साल बाद होगा हमें मालूम नहीं है, मगर एक दिन आपको देना ही पड़ेगा। एक सवाल दादा बस और लाख ही सवाल चलते चलते कि you have actually asked me the same question several times and I've repeated myself several times. Yeah, yeah. I'm asking you कि क्या पुलिस ने it's almost 15 minutes क्या पुलिस ने आपको वापस बोला है कि वो आपको बुला सकते हैं फिर से दोबारा क्वेश्चन? वो जाने के पहले एक स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट है, वो बोला कि आपको हम दोबारा बुला सकते हैं, पहले 6 तारीख दिया था
फिर मैं उनको बताया कि मैं दिल्ली में नहीं रहूँगा, मैं मुंबई जा रहा हूँ, मेरा बेटी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, मैं बाद में मुंबई से वापस आके आप मिल सकते हैं। बाद में हमें एक SMS मिला, ये लिखित रूप में मैंने दिया और मोहर है वहाँ का, ऑफिसर साहब का मोहर है। हमें एक SMS भी मिला कि आपको हम बुलाएंगे, जब आपका ज़रूरत पड़ेगा हम बुलाएंगे। ये नंबर भी ज़रा नोट कर दीजिए, हमें मालूम नहीं है कहाँ से आए हैं या नहीं आए हैं। तो हाँ, क्योंकि आज बहुत सारे चैनल वालों ने कह रहे कि हाँ हमें तो हमने हाजिर हुई है। एक है SMS आया है मेरा एक नंबर से, 9999735902, मुझे मालूम नहीं है मगर उसमें लिखा हुआ है, और एग्जैक्ट उसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आपका दर्शक को भी मालूम पड़ेगा कि ये आया है कहीं दिल्ली। मैंने खुद कहा कि दिस मैसेज इज फ्रॉम स्पेशल सेल लोधी कॉलोनी दिल्ली, वेयर यू हैव बीन कॉल्ड टू जॉइन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ 610, मतलब यस्टरडे। दिस केम टू मी उस दिन, जिस दिन मैं ये मैसेज आया था। द सेम हैज बीन पोस्टपोन्ड एंड द नेक्स्ट डेट विल बी शेयर्ड यू अकॉर्डिंगली, ये लिखा है। यानी कि तलवार अभी भी लटक रही है और अब जो भी चुनौतियां होंगी उसका सामना सबको करना पड़ेगा, लेकिन वाकई में एक चुनौतीपूर्ण माहौल तो है इस समय प्रेस के लिए, लेकिन अब इसका मुकाबला कैसे होगा ये आने वाला वक्त बताएगा और क्या होगा भविष्य पत्रकारिता का। थैंक यू सो मच परंजय गुहा ठाकुर, थैंक यू सो मच।